हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज है भाई लोग संडे और जैसा कि आप जानते हैं हर संडे मैं लेके आता हूँ आपके लिए ताबड़ तोड़ जॉब अपडेट बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए। पिछले हफ्ते में कौन कौन सी बेहतरीन जॉब्स निकली हुई है और आने वाले हफ्ते में कौन कौन से कांड होने वाले हैं, कौन कौन सी जॉब्स निकलने वाली है, उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बस आखिरी तक बने रहना होगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं भाई मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा यार, 500 लाइक्स प्लीज कर दीजिएगा, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और शेयर कर देंगे तो भी मेरी हेल्प हो जाने की है। दोस्तों सबसे पहले करते हैं आने वाले समय में कौन सी ताबड़तोड़ अपडेट आने वाली है उस बारे में बात। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, अलॉय स्टील प्लांट, यहां पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर मैं बोलूं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए भैया आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो। कुल मिलाकर यहाँ पर 73 वैकेंसी निकली हुई है। ज्यादातर वैकेंसीज एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी या फिर मैं बोलूँ जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वह फ्रेशर के लिए है। बहुत बढ़िया मौका है, सेल में लगातार वैकेंसीज निकलते जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट में भी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि फॉर्म उसके ओपन हो चुके हैं, तो जो जरूरी इंपॉर्टेंट जॉब्स है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आज की अपडेट है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट अलॉय स्टील प्लांट की तरफ से ज्यादातर वैकेंसीज निकली हुई हैं एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग या फिर मैं बोलू जूनियर इंजीनियर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कोई COC वगैरह नहीं मांगा गया है, सीरियल नंबर है 9, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 ग्रेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है, टोटल 5 वैकेंसी है जिसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 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 अभी आपको रुकना होगा क्योंकि S3 के ऊपर स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब यह है कि यह ग्रेड तब मिलेगी जब आप रेगुलर हो जाएंगे, यानी कि पहले ट्रेनिंग होगी आपकी, ट्रेनिंग के बाद अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रेगुलर हो जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर E1 ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बात करें, BE BTEC के फुल टाइम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन BOE होना चाहिए, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सेंट्रल या फिर स्टेट का। BOE का एग्जाम होता है पावर प्लांट में, अगर आप O&M में काम करते हैं तो आप BOE का एग्जाम दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर BOE का सर्टिफिकेट मांग दिया गया है। एज लिमिट रखी गई है 30 साल 30 ईयर्स एज ऑन 7th ऑफ जनवरी 2023 तक अगर आप एज लिमिट में आते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी कुल मिलाकर 3 वैकेंसी निकली हुई हैं। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के अंदर S3 ग्रेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 10th प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है अपने मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में केमिकल में पावर प्लांट में प्रोडक्शन में इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC मांग दिया गया है, 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है।
दुर्गापुर स्टील प्लांट में 21 वैकेंसी है, अलाव स्टील प्लांट में 5 वैकेंसी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मांग दिया गया है तो फ्रेशर्स के लिए यह मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन केबल ज्वाइंटर S1 के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, 10th प्लस ITI है इलेक्ट्रीशियन में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। केबल ज्वाइनिंग लाइसेंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, 30 साल एज लिमिट रखी गई है, 4 वैकेंसी है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हाई प्रेशर वेल्डर S1 ग्रेड के अंदर वैकेंसी निकली है, इसमें ITI वेल्डिंग ट्रेड में मांग दिया गया है, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई प्रेशर वेल्डिंग का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है, 5 वैकेंसी है। लास्ट में फ्रेशर के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड के अंदर वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 4 वैकेंसी है, फिटर में 7 वैकेंसी है, मशीनिस्ट में 4 वैकेंसी है, वेल्डर में 4 वैकेंसी है। 10th प्लस ITI आपने किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, मशीनिस्ट से, वेल्डर से, फिटर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 19। जहां जहां पर स्टार लगा हुआ है उसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग के बाद आपका रेगुलर जॉब यहाँ पर लग जाएगी, अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो। इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका डिप्लोमा, आपका ITI आपके हाथ में आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पास आउट होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होने का है और उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होने का है, और स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर की लिस्ट भी हमें दे दी गई है, आगे इस वीडियो में हम उस बारे में भी बात करेंगे, सब बताऊंगा मैं आपको। रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने का है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व्ड है सिंगल, SC में सिंगल वैकेंसी और OBC में यहाँ पर 3 वैकेंसी है। जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में जो 4 वैकेंसी उसमें से अनरिजर्व्ड है 2, फिटर में 7 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड है 4, मशीनिस्ट में 4 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है 2 और वेल्डर में 4 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है 2। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होने का है, उसके बाद क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट होने का है, तो स्किल टेस्ट तक आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हाथ में होने चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाने का है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD वालों को SC ST को 5 ईयर्स का और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है। जो अपर एज लिमिट यहाँ पर दी गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। इसके बाद हमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें डिटेल्स दी गई है। अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो, और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रखी गई है। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वेट मेल के लिए कम से कम 45 केजी होनी चाहिए, फीमेल के लिए वेट कम से कम 35 केजी होनी चाहिए। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो यह इंश्योर कीजिएगा कि भैया आप मेडिकली फिट हो, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है तो। अब सिलेक्शन किस तरीके से होगा उस बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, सबके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर अलग अलग है। फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT यहाँ पर होने का है, उसके बाद इंटरव्यू / स्किल टेस्ट होने का है। बेसिकली स्किल टेस्ट ही होता है, 1:3 के रेशियो में लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी कि रिटर्न में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है
और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटर्न में आपको मेरिट में आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी नौकरी लगे तो। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर पहले सीबीटी होने का है, तो एग्जाम के सेंटर की लिस्ट हमें दे दी गई है। एग्जाम के सेंटर आपको भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची में मिल जाने के हैं। इसके अलावा सेल, डीएसपी, कुछ और सेंटर भी एलोकेट कर सकता है या फिर कुछ सेंटर्स को रिमूव कर सकता है, डिपेंड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर तो क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है एज ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी या जूनियर इंजीनियर या फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के रूप में अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो 2 साल की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने की है, जहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी कि डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर 16,100 पर मंथ मिल जाएगा, सेकंड ईयर 18,300 पर मंथ मिल जाएगा, आईटीआई वालों को फर्स्ट ईयर 12,900 पर मंथ मिल जाएगा, सेकंड ईयर 15,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा, और इस 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको और भी अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे, और उसके बाद आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी जहाँ पर आप S3 या फिर S1 ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, S3 ग्रेड में पहुंच जाते हैं, तो 26,600 प्लस TA DHRA मिल जाने का है, और ITI वाले हैं और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 25,070 प्लस TA DHRA आपको मिल जाने का है, प्लस कई सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल जाने के हैं। फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने की फीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपए रखी गई है, SC ST के लिए फॉर्म भरने की फीस 150-150 रुपए रखी गई है। इसके अलावा ITI वालों के लिए ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए 300 रुपीज फीस रखी गई है, जनरल OBC EWS वालों के लिए और SC ST के लिए 100 रुपीज फॉर्म भरने की फीस रखी गई है। पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सेल करियर्स में जाके आपको अप्लाई करना है, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी mechanicalguru.in मेरी वेबसाइट है जहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 18 ईयर्स रखी गई है और 7 जनवरी 2023 फॉर्म भरने के लास्ट डेट रखी गई है, तब तक आप एज लिमिट में आने चाहिए, तब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और तब तक आपको अप्लाई कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन लिंक बंद हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में भी भैया जो सेल की ही एक यूनिट है यहाँ पे भी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी निकली हुई है, डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है, ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पर, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप चाहे तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दुर्गापुर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेल BSP का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते में कौन कौन सी बेहतरीन जॉब्स निकली हुई हैं उस बारे में, तो पिछले हफ्ते BE BTEC डिप्लोमा वालों के लिए करेंसी नोट प्रेस नासिक रूट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर कम सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए फ्रेशर्स ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। BE BTEC किए हुए हैं आप, डिप्लोमा नहीं किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और खाली डिप्लोमा वाले हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मिनी रत्न कंपनी है, इसके अंदर ये आता है। एग्जाम के सेंटर लिमिटेड जगह में आपको ऑल ओवर इंडिया पर मिल जाने के हैं, इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। दोस्तों इसके अलावा रोजगार मेला अलग अलग स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, 10 लाख वैकेंसी निकालना है 1.5 साल में, तो भैया
इसको मैंने थोड़ा एक्सपोज किया, इसकी रियलिटी मैंने बताई है कि सच्चाई क्या है, 10 लाख वैकेंसी कहाँ पर है और जो ये अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे जा रहे हैं 70-70 हजार लोगों को, 80 हजार लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं, ये वैकेंसी कब निकली थी, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। ये 10 लाख वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली थी या फिर निकलने वाली हैं, यह सब अगर आपको जानना है तो यह वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा यूपी जल निगम में 900 से ज्यादा वैकेंसी निकलने को है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल के लिए भी वैकेंसी निकल सकती है। यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकलेगी वो यूपी पीएससी के थ्रू निकलेगी, और यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलेगी वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलेगी। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो भाई लोग बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ भी बढ़िया मौका हो सकता है, बढ़िया मौका निकल सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, लास्ट संडे भी मैंने संडे जॉब अपडेट बनाया था जहां मैंने बहुत सारे अपडेट्स आपको दिए थे, जहां पे मैंने रेलवे जेई जो क्रिस में जो वैकेंसी निकली उस बारे में बताया आपको। इसके अलावा आपको यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम में जो 95,000 जॉब्स निकलने को हैं उस बारे में मैंने आपको बताया, एनआईओटी के बारे में बताया, सेक्शन इंजीनियर एएसओ की जो वैकेंसी 1624 खाली है डीओपीटी में, वह एसएससी के थ्रू कैसे निकलेगी उस बारे में भी मैंने आपसे बात की। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा, लास्ट संडे जॉब अपडेट नहीं देखा तो वह भी देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ। दोस्तों यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको भाई लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।